जैसे जैसे रोशनी का त्योहार दिवाली नजदीक आ रही है, खाने के तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है कि कीमतों में अचानक वृद्धि, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ओपेक देश द्वारा तेल उत्पादन प्रतिबंध और इंडोनेशिया के पाम तेल के निर्यात को रोकने के फैसले से जुड़ी हुई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया के क्रूड पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले से ग्लोबल लेवल पर खाद्य तेलों की सप्लाई और कीमत दोनों पर असर पड़ेगा। उपरोक्त कारणों से ग्लोबल मार्केट से हर महीने 20 लाख टन पाम तेल की सप्लाई खत्म हो जाएगी। वहीं मंथली ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम के लगभग 50% के बराबर है, इसलिए इसे ग्लोबल मार्केट में ऑप्शन की डिमांड बढ़ेगी। पिछले हफ्ते ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर फेडरेशन ने पाम तेल में 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तो सोयाबीन तेल में 14 रुपये से 16 रुपये और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में खुदरा स्टोरों में 18 रुपये से 20 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की थी। कीमतों में वृद्धि ने कंज्यूमर इन्फ्लेशन में इजाफा किया है और पाम ऑयल की सप्लाई आपूर्ति को संकट में डाल दिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने कच्चे सूरजमुखी तेल की उपलब्धता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि दोनों देशों का ग्लोबल प्रोडक्शन में 2/3 से अधिक का योगदान है। मार्च में तेल की कीमत बढ़कर 1900 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गई। इस बीच दक्षिण अमेरिका सोयाबीन उत्पादन पर सूखे की छाया से जूझ रहा है। आपको बता दें कि भारत अपने तेल का 70% आयात करता है, इसलिए देश वैश्विक तेल बाजार में किसी भी बदलाव के लिए अस्थिर है। उधर ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव का कहना है कि ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने से खाद्य तेल के में इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा के गिरावट के निरंतर स्तर का असर खाद्य तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा। इससे त्योहारी सीजन के दौरान तेल की कीमतों में कुल मिलाकर 2 से 3% की तेजी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।